कितने डिजिट
जो डेंटल हॉस्पिटल्स है वो सेवन है मैडम के रेट में ये मिलता है। नेक्स्ट में आप देखते हैं कि जो ऐप ऑफ मैनेजमेंट नंबर है हमारे पास वो भी क्या इंफॉर्मेशन देता है। मैनेजमेंट नंबर में दो इंफॉर्मेशन देता है, एक क्या है हमारे पास रीजनरेशन ऑफ ऑर्बिटल, क्या है स्टूडेंट्स रीजनरेशन ऑफ ऑर्बिटल। दूसरा क्या है किसी डिजिटल ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन अरेंजमेंट तरतीब स्पेस के अंदर एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर हमारे पास डिजिटल की ऑर्बिटल की अरेंजमेंट क्या होगा उसको ओरिएंटेशन कहते हैं। तो जैसे हमारे पास दो इंफॉर्मेशन आती है रिकॉर्डिंग किसके मैग्नेट पार्ट नंबर के वो कौन सी है, एक हम कहते हैं डिजिटल ऑर्बिटल में पता चल सकते हो कि दूसरा हमारे पास क्या होगी अरेंजमेंट क्या होगी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि डिजिटल ऑर्बिटल क्या है। डिजिटल ऑर्बिटल वो होते हैं मैग्नेट फील्ड की गैर मौजूदगी के अंदर ऐसे तमाम ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या होगी सेम होगी उसको कहते हैं डिजिटल ऑर्बिटल्स। कंडीशन क्या है कि ऑर्बिटल होना चाहिए और की एनर्जी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेट फील्ड, मैग्नेट फील्ड की गैर मौजूदगी में ऐसे तमाम ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी क्या होगी सिमिलर होगी सेम एनर्जी दैट आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स। इसी को फर्दर एलाबोरेट करते हैं। अब हम बात करते हैं जब एल्केली हमारे पास क्या है जीरो है और अब ये जानते हैं उसके लिए क्या होगा हमारे पास जीरो हो जाएगा। अब इसकी ओरिएंटेशन क्या होता है कि वन स्पेस ओरिएंटेशन है किसके अंदर एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस सिंगल अरेंजमेंट है इसकी स्फेरिकल एक्सिस करता है न्यूक्लियस से लेके उसके तमाम पार्ट्स पे इलेक्ट्रॉन के पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है सेम होती है। हमारे पास वो क्या एक्स करता है सिमेट्रिकल है एट केस स्फेरिकल ऑर्बिटल से मतलब क्या हुआ कि जब एल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी जीरो होगी एफ की वैल्यू भी क्या होगी जीरो होगी वो फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता उसके अंदर कोई भी डिजिटल ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करते उसकी एक अरेंजमेंट है किसके अंदर स्पेस के अंदर इन एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर सिंगल अरेंजमेंट दैट इज शोन ये जाकर दिखा दिया गया है। अगर आप बात करें पी स्ट्रक्चर के बारे से आप जानते हैं कि क्या हो जाएगी 1 और एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 3 कैसे हो जाएगी 0 प्लस माइनस 1 ये 3 वैल्यूज होती है। तो यहां से अगर बात किया जो पी सब शैल है उसमें कितनी स्पेस ओरिएंटेशन हो सकती है 3 पॉसिबल मेथड है उसको अरेंज करने के वो कौन से है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ऊपर होते हैं उसकी पहले क्या करो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और क्या ये जेड एक्सिस ये पी वाई पी जी एंड पी एच के उसकी ओरिएंटेशन की बात चल रही है हमें एक्सिस के ऊपर है वाई एक्सिस के ऊपर है एंड क्या जी एक्सिस के ऊपर है और जैसे ये चीज क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। और दूसरी क्या बात है इसको कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल भी कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स क्यों कहते हैं बिकॉज दे प्रेजेंट या अवेलेबल ऑन द एक्सिस एक्सिस में मौजूद है इसलिए हम क्या कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स कहते हैं। हर वो ऑर्बिटल जो हमारे पास किसके मौजूद होगा एक्सिस के ऊपर मौजूद होगा उसको हम क्या कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स कहते हैं। हर वो ऑर्बिटल जो ऐसे मौजूद नहीं होगा इसके बिना मौजूद हो इसके बिना मौजूद बल्कि क्या हो स्पेस प्लेट एग्जिस्ट कर रहा हो उसको कहते हैं इंटर एक्सिस ऑर्बिटल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी थ्री अरेंजमेंट्स है एक थ्री डिजिटेड ऑर्बिटल है उसे जिसका नाम क्या रखते हैं थ्री फोल्ड डिजिटेड ऑर्बिटल या ट्रिपल डिजिटेड ऑर्बिटल भी कहते हैं। वजह क्या उसकी थ्री अरेंजमेंट है पी एच पी वाई पी जी मैग्नेट फील्ड की गैर मौजूदगी में इनकी एनर्जी क्या होती है सेम होती है दैट इज कॉल्ड थ्री डिजिटेड ऑर्बिटल। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया थ्री फोल्ड डिजिटेड ऑर्बिटल या ट्रिपल डिजिटेड ऑर्बिटल भी कहते हैं। नेक्स्ट और नेक्स्ट हमारे पास क्या है डी सब शेल के इसमें हम बात करें अगर डी सब शेल की बात करें उसमें हमारे पास क्या आता है एल की वैल्यू क्या है टू है मैग्नेट पार्ट की वैल्यू क्या आती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5 डिजिटेड ऑर्बिटल।
ऑर्बिटल्स। डिजनरेट बात कर रहा हूं, डिजनरेट कब होता है जब इतनी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटल एफ से रेडी दैट का डिजनरेट ऑर्बिटल। अब अगर उसकी अरेंज की बात करें, अरेंज हमारे पास क्या है, पास की पैसेस करती है, मतलब क्या है, एक्सिस के ऊपर भी एक्सिस करती है, एक्सिस के दरमियान प्लेन पे एक्सिस करती है, ये ऑर्बिटल की टाइप हमारे पास होती है, ऑर्बिटल एक्सियल या एक्सियल ऑर्बिटल या इंटर एक्सियल ऑर्बिटल, दे आर नॉट आइडेंटिकल इन सेम, ये सेम नहीं होते। उसकी वजह क्या है कि फाइव डिजिटेड ऑर्बिटल है, चार का तो फोर लूप से एक्सिस करती है और लास्ट में क्या लूप से एक्सिस करते हैं और टू लूप, उनकी एनर्जी क्या होती है, उनकी शेप क्या होती है, आइडेंटिकल नहीं होती। अगर बात करें डिसेप्शन की, डिसेप्शन पे एलिमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, थ्री हो जाएगी, उसके लिए डिजिटेड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, सेवन, ये वैल्यू की बात है, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, और इनकी शेप जो होती है कॉम्प्लिकेटेड होती है। एक आर्टिकल और बुक एफएसए उस पे हम इसको एलैबोरेट नहीं कर सकते, लेकिन हां ये बात बता देते हैं कि स्पेस के तरह एग्जिस्ट करते हैं, उसके सेवन डिजिटेड ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, कब से होती है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। शेप की बात नहीं हो रही, डीजे जैसे कहते हैं, दो चीजों की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक उसकी एनर्जी से होगी, दूसरी किसकी बात कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ए मैग्नेटिक फील्ड की गैर मौजूदगी में ऐसे तमाम ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, दैट इज कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल। डियर स्टूडेंट, डीजनरेट ऑर्बिटल के अंदर हम शेप की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी सेम होती है कब, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ये तो हमारे पास है मैग्नेटिक पार्टिकल, क्यों मैग्नेटिक पार्टिकल क्या एक्सप्लेन करता है, एक डिजनरेसी ऑर्बिटल एक्सप्लेन करता है, दूसरा हमारे पास क्या आता है, ओरिएंटेशन, कि ओरिएंटेशन हम क्या कहते हैं, तरतीब कहते हैं, उसे जब हमारे पास लास्ट पार्ट क्या है कि ये क्या एक्सप्लेन करता है, ऑर्बिटल पार्टिकल भी हम कह सकते हैं इसको, ऑर्बिटल पार्टिकल क्यों कहते हैं या ऑर्बिटल अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन पार्टिकल क्यों कहते हैं, बिकॉज़ ये डिजनरेसी के साथ साथ क्या करता है, उस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन अरेंजमेंट बताता है कि स्पेस में इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास आज का टॉपिक, टॉपिक का नेम क्या है, मैग्नेट क्वार्टर नंबर, लेफ्ट इंशाल्लाह बुक करेंगे स्पीड क्वार्टर नंबर के साथ, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।